फास्टैग सभी वाहन चालकों के लिए आज के समय में जरूरी हो गया है। फास्टैग वाहनों से पैसे और समय दोनों की बचत होती है। पहले तो हर टोल प्लाजा पर ज्यादा समय लगता था, वहीं कई बार उन्हें ज्यादा टोल भी भरना पड़ जाता था। अगर आप भी कार लेके चलते हैं तो फास्टैग के फायदे से जरूर अवगत होंगे। हालांकि कई मामलों में कुछ लोग लापरवाही भी करते हैं, जो अब भारी पड़ने वाला है। दरअसल फास्टैग से जुड़े नियमों में नए महीने से कुछ बदलाव हो रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने फास्टैग को लेकर सख्ती की है। NHAI ने सभी फास्टैग ग्राहकों से KYC की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कहा है। NHAI ने कहा है कि सभी फास्टैग यूजर अपने सबसे नए फास्टैग की KYC पूरी करवा लें, क्योंकि प्राप्त KYC नहीं कराए जाने पर बैंक फास्टैग को डीएक्टिवेट और ब्लैकलिस्ट करने वाली है। अधूरी KYC वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या KYC करने की प्रक्रिया 31 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगी। बैंक उन फास्टैग को भी डीएक्टिवेट कर देंगे जिनमें प्राप्त बैलेंस तो है लेकिन KYC पूरी नहीं हुई है। आज 18 जनवरी हो चुका है, मतलब अब बस 2 हफ्ते ही रह गए हैं। ऐसे में आपको बिना देरी किए अपने फास्टैग की KYC करवा लेनी चाहिए। अगले महीने से वैसे यूजर को भी परेशानी होने वाली है जिन्होंने कई फास्टैग ले रखा है। NHAI ने वन वे वन फास्टैग मुहिम की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य एक ही कार से कई फास्टैग को लिंक करने या एक ही फास्टैग का इस्तेमाल कई कार के लिए करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है।